मिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूनियनों की दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू। बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC आदि में कामकाज हुआ बाधित। पूर्व राज्य मंत्री लोचन लाल ठाकरे, विधायक पेंशन के लिए लगा रहे बैंकों के चक्कर, कांग्रेस सरकार पर लगाया। मीसाबंदियों ने पेंशन बंद किए जाने पर जताई नाराजगी। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने बदले की भावना से उठाया यह कदम। दो दिवसीय इंस्पायर अवार्ड मानक विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ समापन। 19 मॉडलों का राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए हुआ चयन। ट्रिप में हाईटेक जनसुनवाई का हुआ आयोजन। नामजन की समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण। और कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, भारत बैंक मैनेजर सहित दो घायल। बैहर रोड सरीखा बाईपास की घटना। और अब समाचार विस्तार। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर विभिन्न ट्रेड यूनियनों के द्वारा दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के कारण संबंधित बैंक, LIC, पोस्ट ऑफिस आदि में वहां के कामकाज प्रभावित हुए। ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी आवाज बुलंद की और उन्होंने किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ। होगा भी करना होगा, करना होगा, करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनील कुमार पटले, संभागीय सचिव, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी बालाघाट संभाग। बालाघाट, आप लोगों ने जो हड़ताल चालू की, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य रूप से जो मांगे हैं, सरकार ने जो 2004 से नई पेंशन स्कीम जो लागू की है, ये कर्मचारियों का शोषण करने वाली पेंशन है। पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और नई पेंशन को बंद किया जाए। दूसरा है कि पूरे ऑल इंडिया में रिक्त पद हैं, रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है। जितने भी पद खाली हैं उनको तत्काल भरा जाए और सातवें पे कमीशन में जो विसंगति है उनको दूर किया जाए। कितने दिवसीय हड़ताल है? ये दो दिवसीय हड़ताल है। वहीं इन संस्थानों में अधिकारी वर्ग अपने स्तर पर कार्य करते देखे गए। इस हड़ताल का असर नगर में स्थित इलाहाबाद बैंक और कैनरा बैंक में नजर आया। इन दोनों ही बैंकों का पूरा कर्मचारी वर्ग हड़ताल पर चला गया था, जिसके चलते आज इन बैंकों में बैंकिंग कामकाज बाधित रहा। वहीं बाकी बैंकों में कामकाज रोजाना की तरह चलता रहा। चर्चा करने पर इलाहाबाद बैंक के प्रबंधक राजकुमार पासवान ने बताया कि आज हमारे बैंक के क्लर्क हड़ताल पर हैं, अधिकारी वर्ग हड़ताल पर नहीं है। आज हमारे क्लर्क लोग हड़ताल पर हैं, तो कैश का जो भी काम है या फिर जो क्लर्क का जो भी काम होता है वो सब बंद है। कर्मचारी वर्ग हड़ताल पे है, अधिकारी वर्ग हड़ताल पे नहीं है, सब कर्मचारी वर्ग। ये कौन कौन से बैंक इसमें हड़ताल में है? क्या आपका ये इलाहाबाद बैंक ही है क्या? और नहीं, और भी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक भी ज़्यादातर नहीं है। SBI, दूसरे बैंक की जानकारी नहीं है। कितने दिनों तक बंद रहेगा सर? ये दो दिनों के लिए। वहीं जबलपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे। LIC में कार्यरत कर्मचारी दिन भर कार्यालय के सामने बैठकर विरोध जाहिर कर संगठनात्मक एकता का परिचय देते रहे। जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 बालाघाट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्यूनतम वेतन 18,000 देना होगा, देना होगा, देना होगा। न्यूनतम 18,000 रुपए देना। किसानों की कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो। हम सब एक हैं, एक हैं, एक हैं।
इस संदर्भ में चर्चा करने पर LIC के यूनियन सेक्रेटरी चैन सिंह मरावी ने बताया कि 11 मांगों को लेकर हमारी दो दिवसीय हड़ताल है। मांगे हमारी दो दिवसीय हड़ताल है, देशव्यापी हड़ताल है। इसमें हमारी 11 मांगे हैं, जिसमें से अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, न्यूनतम वेतन जो है 18,000 दिया जाए और हमारा वेतन वार्ता भी 2017 से जो है वो रुका हुआ है उसकी वार्ता करें और हमारे किसानों की कर्जा माफ़ करें और जो ठेका मजदूरी चल रहा है कारखानों में कामगारों को सही वेतन दिया जाए और हमारे न्यूनतम कर्मचारियों के समान वेतन, समान व्यक्ति, समान काम होना चाहिए, ये हमारी मांगे हैं। तो LIC का कोई भी कर्मचारी काम पे नहीं है क्या? नहीं, आज कोई कर्मचारी काम पे नहीं है। क्लास 3 कर्मचारी काम पे नहीं है, अस्थायी कर्मचारी काम पे नहीं है और पेंशन का, पेंशन का एक विकल्प के लिए दिया जाए। इस देशव्यापी हड़ताल में MR यूनियन भी शामिल है। MR यूनियन के पदाधिकारियों ने आज नगर में बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मान्य होगी, मान्य होगी, मांग हमारी मान्य होगी, मान्य होगी, मान्य होगी, मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तमाम पे जीरो GST लागू करो, लागू करो, महिलाओं का शोषण बंद हो, बंद हो, बंद हो, तमाम पे जीरो GST लागू करो, लागू करो, लागू करो, 8 घंटे वेतन में 8 घंटे वेतन फिक्स करो, फिक्स करो, फिक्स करो, संदर्भ में MR यूनियन के अध्यक्ष नोकेश बिसेन और उपाध्यक्ष जीवन सिंह बरेले ने बताया कि केंद्र सरकार की कुछ दमनकारी नीतियों के खिलाफ 8 एवं 9 जनवरी को ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल है। आज हम लोगों की 8 और 9 तारीख को देशव्यापी हड़ताल है। केंद्र सरकार की कुछ दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम लोगों की हड़ताल जारी रहेगी, कल भी जारी रहेगी। 8 और 9 तारीख 2 दिन का है। इसमें मिनिमम वेजेस को लेकर 18,000 रुपये मिनिमम वेजेस, दवाओं के ऑनलाइन बिक्री बंद हो, दवाओं पे 0 GST लागू करो और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ हम लोग केंद्र सरकार के अगेंस्ट में ये हड़ताल रखा रहते हैं। हड़ताल किस टाइप की है? हम लोगों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। हम लोग काम पर नहीं रहेंगे, काम पर नहीं रहेंगे, काम पर नहीं रहेंगे। धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन भी रहेगा। इसमें हम लोगों की 10 इकाइयाँ हम लोगों के साथ में सम्मिलित है। कौन कौन सी यूनियन है? CITO है, LIC है, LIC है, डाक विभाग है, CITO है। आज हम लोग पूरे भारत में समस्त ट्रेड यूनियन के साथ में 2 दिवसीय हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो संगठन है FMRI संगठन, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स एसोसिएशन, जिसमें कहना चाहिए हमारा स्टेट MPMSRU भी, MPMSRU की जितनी भी जो 32 इकाइयाँ है। आज उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में भवन निर्माण के ठेकेदार ने सेंटरिंग लगाने की राशि मांगने पर एक व्यक्ति को सिर पर हथौड़ी से मारकर घायल कर दिया। घायल व्यक्ति चित्रसेन बघेले वार्ड नंबर 1 गौरीशंकर नगर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक भवन निर्माण में सेंटरिंग लगाने का कार्य ठेका 20,000 रुपए में ठेकेदार राजेश बोरकर ने चित्रसेन बघेले को दिया था। मंगलवार को चित्रसेन जब ठेकेदार से पैसे मांगने गया तो उसने उस पर हथौड़ी से वार कर घायल कर दिया। आज मारपीट कैसी हुई? मारपीट इस वजह से हुई सर, कल स्लिप हुई, मैंने काम लिया था तो कल ढलाई हो गई, बोले आज पेमेंट वगैरह भी मिलेगा, ये लड़के लोग भी पास में हैं, इन लोग काम करते हैं तो इनको भी पेमेंट देना था, तो ठेकेदार को मैंने फ़ोन लगाया तो नहीं, बोले मैं जब मर्जी होगी तब पैसे दूंगा, अभी फ्री नहीं हूँ। सवेरे से आज दोपहर तक के 3 बजे तक के बैठा के रखा, फिर मैंने फ़ोन किया उसको कहाँ, तो ये हॉकी के मैच देख रहे थे यहाँ पे अम्बेडकर चौक में, फिर वहाँ गया, मैंने बोला तुम मैच देख रहे हो, मैंने बोला लेबर मेरे को चिल्ला रहे पैसे के लिए, मैंने बोला मेरे को पैसे दो या हिसाब करो, तो आए नहीं। फिर मेरे हाथ में सर एक हथौड़ी थी काम की, तो मेरी हथौड़ी को छीन के मेरे सर पे मार दी सर। क्या नाम ठेकेदार का? क्या नाम है? राजेश बारेकर। कहाँ रहते हैं? जागपुर। बैहर रोड सरेखा बाईपास में कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बीती रात हुए इस हादसे में कार की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार भारत बैंक बालाघाट के मैनेजर दुर्गेश सयाम एवं 17 वर्षीय पूजा भरवेली निवासी घायल हो गए।
दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 7 जनवरी को दुर्गेश मोटरसाइकिल से अपनी बुआ और पूजा को लेकर रेलवे स्टेशन से भरवेली जा रहे थे, तभी सरेखा बाईपास बैहर रोड पर यह हादसा हो गया। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में आयोजित नारायण सिंह मेमोरियल अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता के चौथे दिन 3 मैच खेले गए, जिसमें नासिक, अमरावती, मारकंडा और हरियाणा ने मैच जीतकर अगले चक्र में प्रवेश किया। नगरपालिका स्कूल परिसर में आयोजित इस स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता में मंगलवार को नासिक और यंग स्टार हरियाणा के बीच पहला मैच खेला गया, जिसमें नासिक ने 6-2 से जीत दर्ज कर अगले चक्र में प्रवेश किया। वहीं दूसरा मैच अमरावती और टीकमगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें अमरावती ने खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-1 से यह मैच जीतकर अगले चरण में प्रवेश किया। वहीं दिन का आखिरी मैच व तीसरा मैच मारकंडा हरियाणा और दिल्ली के बीच खेला गया, जिसमें मारकंडा ने लगातार 5 गोल दागकर जीत हासिल की, जबकि दिल्ली एक भी गोल दागने में कामयाब नहीं हो पाई। और इस तरह मैं समाप्त। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों के लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किए, उनकी समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग की। मंगलवार को आयोजित इस जनसुनवाई में 102 आवेदकों ने जिला प्रशासन के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं रख उनका निराकरण किए जाने की गुहार लगाई। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में आदिवासी सर्व समाज के कई पदाधिकारी सहित ग्राम नेत्रा के आदिवासी ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 1996 में पंचायत द्वारा स्वीकृत जमीन पर बनाए गए किले में रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान करने की मांग की। साथ ही उन्होंने तहसीलदार द्वारा भेजे गए अवैध निर्माण के नोटिस को रद्द किए जाने की बात। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्राम नेत्रा निवासी चिंतामन अड़बे ने बताया कि तहसीलदार ने गांव में बनाए गए किले को तोड़ने के आदेश दिए हैं, जबकि किला पंचायत द्वारा 1996 में स्वीकृत भूमि पर ही बनाया गया है, लेकिन तहसीलदार ने उसे अवैध बताते हुए किले की भूमि को हटाए जाने का नोटिस दिया है, जो कि गलत है। यदि शासन प्रशासन उस किले को हटाता है तो समाज द्वारा धरना आंदोलन किया जाएगा। मामला ये है सर जी, तहसीलदार ने अतिक्रमण हेतु हटाए जाने हेतु एक आदेश पारित, वो रानी दुर्गावती का किला है, वो फर्जी लग रहा है मेरे को आदेश उनका। नहीं, ये कब बनाया गया था आपके द्वारा? ये तो 2017 में बनाया गया था सर जी, और वो जमीन हमको 1996 में मिला था, ग्राम पंचायत के आम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें। उसके बावजूद भी वो उसके आजू बाजू मतलब साईं मंदिर भी है और
अतिक्रमण में 8-10 मकान भी है जिसके कोई वो तोड़ने के लिए आदेश जारी नहीं किया गया और सिर्फ मंदिर को तोड़ने के विवाद किला के है केवल बैठाने को केवल किला का तो मूर्ति भी बैठाना है उसमें मगर वो टूटवाने का आदेश दे दिया तहसीलदार महोदय ने। तो अभी बीच में भी विवाद की स्थिति बनी थी तो अभी क्या निर्णय निकला? कुछ निर्णय निकला नहीं? अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। अच्छा आज आप अवगत करा दिया है, सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं जो 1996 में जमीन मिली है उसकी भी वो दे दिए सूचना और जिस मतलब काम चालू किया है उसके जो वर्तमान सरपंच थे वो उसने परमिशन दिया था उसकी भी काफ़ी लगा दी गए हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? जैसे अगर आगे तो हमको मूर्ति स्थापना करना है और अगर वो इसके बावजूद अगर तहसीलदार महोदय जबरदस्ती तोड़ने के प्रयास करेंगे तो हम जिला के सभी आदिवासी समाज। वहीं आदिवासी संगठन पदाधिकारी भुवन सिंह कुर्राम ने बताया कि समाज द्वारा प्रस्तावित भूमि पर ही किले का निर्माण कराया गया है जिसमें रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापित की जानी है लेकिन तहसीलदार द्वारा उसे अवैध अतिक्रमण बताते हुए उसे हटाने के आदेश दिए गए हैं। यदि शासन द्वारा उक्त किले को हटाया जाता है तो पूरा समाज आंदोलन का रुख करेगा। हमने कलेक्टर महोदय से यही अवगत कराया है कि 1996 से हमने इस जमीन पे कब्जा किया है और ग्राम पंचायत से प्रस्ताव कब्जा पास किए हैं या कब्जा करके ग्राम प्रस्ताव आम सभा से ग्राम की जो आम सभा होती है उससे प्रस्ताव पास करके ये जमीन पे कब्जा किया है और वहाँ पे रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमने एक किला रूप निर्माण किया है और वहाँ हमारे बड़े देव की पूजा स्थल है और बैठने के लिए जो हमारी पूजाएँ जो है वर्षा ऋतु में होती है इसलिए हमने थोड़ा सा छत बनाने के एक हॉल बनाने की कोशिश की है। तो अभी क्या इंडिकेशन क्या आ रहे हैं? क्या उम्मीद लग रही है कि अतिक्रमण हटाने के लिए जो नोटिस जो मिला है आप लोगों को क्या नहीं हटेगा या हटेगा? कलेक्टर महोदय से हमने एक गुहार लगाई है कि इस अतिक्रमण को रोका जाए, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोका जाए और हमें वहाँ पे रानी दुर्गावती जी की जो प्रतिमा है उसको स्थापित करने दिया जाएगा। क्या बोले उन्होंने? ये कहा कि हमें आश्वासन दिया कि हम पूरी संभव प्रयास करेंगे कि आपकी प्रतिमा वहाँ लग जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो? अगर ऐसा नहीं होता है तो जिले के समाज पूरा आदिवासी समाज एक आंदोलन का रूप लेगा। वहीं इस जनसुनवाई में बैहर चौकी वार्ड नंबर 4 के वार्ड वासियों ने वार्ड में मोबाइल टावर के निर्माण को बंद किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडियस का हवाला देते हुए तुरंत ही मोबाइल टावर का निर्माण कार्य बंद कराए जाने की मांग की। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान वार्डवासी मोहम्मद सुल्तान खान ने बताया कि यदि मोबाइल टावर का निर्माण कार्य बंद नहीं किया जाता तो वार्डवासियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। भैया अपना नाम बताएंगे? मैं मोहम्मद सुल्तान खान बैयर चौकी बालाघाट में रहता हूँ, वार्ड नंबर 4 में नूरी मस्जिद के पास। हमारे घर के पास टावर बनवा रहा है कोई कंपनी वाला, तो हम लोग उसको नहीं बनवाना देना चाहते। बीच में वो आया था सब सामान वामान लेकर के, तो हम लोग ने उनको कहा तो वो लोग पूरे सामान लेके चले गए थे। फिर शनिवार का दिन देख करके, छुट्टी का दिन देख करके वो लोग खुदाई करते हैं वहाँ पर आकर के और अपना काम चालू कर दिए वो लोग ने। इसलिए हम इसके कारण आए कि ये टावर ना लगा जाए। कौन से वार्ड में? वार्ड नंबर 4 नूरी मस्जिद के पास बैहर चौकी। अच्छा, तो नगर पालिका में आपने कंप्लेंट किए थे इसकी? ये नगर पालिका में हमने पहले कंप्लेंट करवाए थे, हमारा जो एक साथी था उसने किया था कंप्लेंट, तो वहाँ से भी कुछ उसका रिस्पांस नहीं मिला और अभी हम लोग जन सुनवाई में आए कि यहाँ पे हमारी सुनवाई होगी, टावर को तत्काल वहाँ पे ना लगने देने की हम लोग को। ये वार्डवासी क्यों नहीं लगाना चाहते? बीमारियाँ होती है और पक्षी भी मरते हैं उससे सीधी और वहाँ हमारा निचला एरिया है, वहाँ पे घुटने तक बारिश में पानी भी भर जाता है। अच्छा, रेडिएशन की वजह से आप लोग? रेडिएशन उसका बहुत तेज होता है। क्या बोले? इस जनसुनवाई के दौरान आदिवासी संयुक्त समाज संगठन द्वारा गोठान की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने खैरलांजी सहित गोठान की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग की। साथ ही उन्होंने मांग पूरी न होने पर जन आंदोलन किए जाने की बात कही है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान खैरलांजी ग्राम कटोरी निवासी मुरलीधर गुर्जर ने बताया कि कुछ लोगों ने गोठान की जमीन पर अतिक्रमण कर आरा नील राइस मिल और मकान का निर्माण कर लिया है जबकि उक्त भूमि पर सभा मंच स्वीकृत है लेकिन अतिक्रमण करने वाले लोग अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। हमारी समस्या यह है कि तहसील खैरलांजी में जो हमारी आदिवासी गोठान की जगह है
जिसमें आदिवासी गोंड समाज, गुआरी समाज की जो भूमि है इसके ऊपर आरा मिल के ऊपर आरा मिल बनवा लिया गया है। लकड़ी चिरान की जो मिल है वो बनवाई गई है। दो तीन मकान उस भूमि के ऊपर बनवाए गए हैं और धान की मिल का कुछ हिस्सा उस भूमि के ऊपर बन चुका है। अगर नहीं हटा तो? नहीं हटा तो हम जन आंदोलन करेंगे और आंदोलन के रूप में हम स्थिति निर्मित होगी तो हम आमरण अनशन के ऊपर भी हम उस जगह के ऊपर खाली करवाने के लिए बैठेंगे। वहीं आदिवासी गोवारी समाज संगठन के जिला अध्यक्ष महेश सहारे ने मांग पूरी न होने पर न्यायालय की शरण लिए जाने की बात कही। खैरलान जी जो मुख्यालय है, खैरलान जी मुख्यालय में गौठान आखर मैदान में कई वर्षों से अतिक्रमण किया गया वहां पे और वहां पे आरा मिल संचालित की जा रही है। इसके पूर्व भी वहाँ तहसीलदार को आवेदन दिया गया, उनने आश्वासन दिया था कि यहाँ से अतिक्रमण तत्काल हटा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद उनने कोई भी अतिक्रमण नहीं हटाया है। इसके पहले भी हमने और भी शिकायतें करी और आज बालाघाट कलेक्टर को हम शिकायत करने आए हैं कि गौठान आखर मैदान जहाँ हमारी परंपरा अनुसार वहाँ गाय खिलाने का कार्य संचालित किया जाता है और भी सामाजिक कार्यक्रम वहाँ होते हैं और ऐसी जगह पर वहाँ आरा मिल चल रही है उसको तत्काल वहाँ से हटाया जाए और जो आरा मिल चल रही है उससे वसूली की जाए कि इतने दिनों से वहाँ पे जो आरा मिल संचालित करके पैसा कमाया जा रहा है उससे वसूली की जाए और तत्काल वहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए। बालाघाट कलेक्टर को आज ज्ञापन देने आए हैं और हमको उम्मीद है कि बालाघाट कलेक्टर अतिक्रमण को वहाँ से हटवाएंगे, जिस प्रकार से भी बालाघाट शहर में अतिक्रमण के ऊपर इनने। जनसुनवाई के दौरान तहसील खैरलांजी के ग्राम मिरकपुर निवासी कुछ ग्रामीणों ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मिरकपुर निवासी आभाजी नगरधन ने बताया कि उनका मकान पूरी तरह गिर चुका है, वे बेघर हो गए हैं, बावजूद इसके भी सचिव द्वारा उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि वे पात्र हितग्राही हैं। आबा जी वर्धन नगर धन। अच्छा क्यों आए कलेक्टर ऑफिस? जी मकान के लिए है। तो आपका नाम आया है क्या मकान के लिस्ट में? मकान के लिए तो आया है जी, 11-19 नंबर में थे लेकिन अब मेरे को दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्या मालूम। अच्छा अभी तक कोई नाप जो ये वो कुछ नहीं हुआ है? तो आपका मकान अभी रह कहाँ रहे हैं? किराया से रह रहा हूँ। पूरा टूट चुका है? पूरा, ये तो है सर। किस गाँव का मामला है? मिरकपुर, खैरलांजी क्षेत्र मिरकपुर। कौन सा गाँव? मिरकपुर। मिरकपुर में तो क्या बोलते हैं सचिव? हाँ जाएंगे जाएंगे बोलता है, लिस्ट आने दो लिस्ट आने दो। लिस्ट में आपका नाम है क्या? हाँ जी 17-18 महीने हो गए मैं घर बेघर से। तो अभी तक कुछ नहीं ये भी हैं क्या साथ में? ये तो इसका अलग है। क्या नाम है इनका? वही गांव से है? वही गांव से। जनसुनवाई के दौरान ग्राम दलदला, सोनपुरी, गोदी, पोंडी, नारंगी सहित अन्य गांवों के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने ग्राम दलदला में कराए जा रहे पचामा डैम की नहर पुराने सर्वे के आधार पर किए जाने की मांग की और मांग पूरी ना होने पर उन्होंने जन आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। सर आज जनसुनवाई में आप आए थे, क्या मामला है नहर का? हाँ जी ये ग्राम दलदला से संबंधित है, वहाँ पचामा डैम का निर्माण हो रहा है और उसकी जो नहर दलदला ग्राम के सिंचाई के लिए लाई जा रही है उसके संबंध में पहले जो सर्वे हुआ था वह सर्वे के अनुसार किसानों का कम अहित हो रहा था और सिंचाई का अधिक भाग मिल रहा था, लेकिन अभी 5 तारीख को जो सर्वे हुआ 5/1/19 को उस सर्वे में सिंचाई के लिए नहर का भाग नीचे कर दिया गया है जो पूर्णतः शायद पानी खेतों को नहीं मिल पाएगा और इसमें किसानों का अहित अधिक है क्योंकि पहले के सर्वे की तुलना में अभी जो नहर का सर्वे किया गया है वह खेतों का नक्शा बिगाड़ रहा है और कुछ किसानों का खेत खंड खंड में बट रहा है। ऐसी स्थिति में सभी का यह कहना है ग्रामवासियों का, विशेष करके दलदला ग्राम और गोंदी ग्राम के
ग्रामवासियों का कि पहले जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में खेतों का नक्शा खराब नहीं हो रहा है और पानी किसानों को पर्याप्त मिल रहा है, उसे सभी संतुष्ट नज़र आए हैं, लेकिन अभी के सर्वे से असंतुष्टि गांव में फैली हुई। ये बताइए, जो नहर का जो सर्वे हुआ है उससे कितने, अगर सही तरीके से बन जाती है पूर्व, तो कितने गांव को इसका फ़ायदा मिलेगा किसानों को? नहर का जो सर्वे पूर्व में हुआ था, हाँ। उससे सबसे पहले दलदला, उसके बाद सोनपुरी, नारंगी, हाँ। और पोंडी, हाँ। ये चार ग्राम पंचायतों को उसका पानी मिलेगा। ठीक है, क्या सर्वे गलत हुआ हो रहा है क्या? हाँ, ये अभी वाला सर्वे वो गलत है। ठीक है, पहले जो हुआ था वो सही है। सही है, उसमें पानी का सिंचाई का भाग भी बढ़ेगा, हाँ। सभी को पानी मिलेगा, हाँ। और किसानों को उससे संतुष्टि है क्योंकि खेत का जो नहर जो खंड खंड में हो रहा था वो नहीं हो रहा है। अगर ये इसकी सर्वे डबल से नहीं कराया जाता है, यथावत पुराने सर्वे को नहीं किया जाता, तो ग्रामीणों की तरफ से अगला कदम क्या होगा? जन आंदोलन। ठीक, आपका इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने सिंचाई विभाग से मामले का संज्ञान लेकर किसानों की समस्या हल किए जाने की बात कही है। आज जहाँ कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जो प्रति मंगलवार को की जाती है, तो 5-6 ग्रामीण आए थे ग्राम दलदला के, और उन्होंने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि जो नहर हमारे गांव में बनने वाली थी उसका जो पहले सर्वे हुआ था वो हमारे अनुसार सही है, और जो अभी नवीन इंजीनियर द्वारा सर्वे किया जा रहा है तो वो अपने हिसाब से अपने सिंचाई नहीं हो पाएगी, तो आवेदन पत्र दिए हैं, तो हमने ई WRD को, सिंचाई विभाग को उसको मार किया है, उनकी जानकारी आते ही उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और चूँकि सिंचाई खेत में सिंचाई अच्छी तरह हो सके, सब ग्रामीण को पानी मिल जाए, ऐसे मैं इसे आपको अलग से बताऊंगा। शहर में चल रही अतिक्रमण कार्यवाही का स्वागत करते हुए फुटकर व्यापारियों व दुकानदारों ने वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अतिक्रमण के नाम पर उन्हें बार बार हटाए जाने के बजाय उन्हें स्थायी तौर पर जगह दिए जाने की मांग की है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान फुटकर व्यवसायी मोहम्मद शाहिद खान ने बताया कि यदि उन्हें दुकान लगाने के लिए स्थायी जगह की व्यवस्था नहीं की जाती तो सभी फुटकर व्यवसायियों द्वारा नगर में आंदोलन किया जाएगा। हम कलेक्टर ऑफिस इसलिए आए थे कि हम लोग जो फुटकर व्यापारिक लोग हैं, बरसों से क्या कहते हैं, अतिक्रमण के चपेट में, कहीं शहर सुंदर के चक्कर में, कहीं रोड चौड़ी के चक्कर में हम लोगों को आए दिन हटा दिया जाता है। तो हमारी शासन से यही यह है कि हम लोग आज यहाँ पर मंडाएंगे, कल और कहीं जाके हटाएंगे, वहाँ से मंडा देंगे सर, वो हटा देंगे, समझे ना। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे को एक व्यवस्थित गुमटियाँ बनाकर दी जाए, ताकि बार बार अतिक्रमण का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, हमारे बाल बच्चे परिवार सब मतलब भूखे रहने की स्थिति बन जाती है उनके पास सामने में, समझे ना। तो हमारा यही है कि हम लोगों को बार बार ऐसा डिस्टर्ब ना करते हुए, हटाते ना हुए, हमारे को एक व्यवस्थित गुमटियाँ बनाकर दे दिया जाए, तो हमारा शासन से यही अनुरोध है। वहीं इस जनसुनवाई में पंचायत के अधीनस्थ जंगल की अवैध कटाई रोकने की मांग को लेकर ग्राम अर्जुनी के कुछ ग्रामीणों ने जनसुनवाई में गुहार लगाई, जिन्होंने जंगल की अवैध कटाई करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की, साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। दलूराम चौधरी, हम इसलिए आए हैं कि हमारे यहाँ बांस और सागुन का वृक्ष लगा हुआ है, उसमें जो कटाई 16 में कटी, फिर पुनः से वो अभी भी काट लिए 1.5 साल अंतराल में, और कौला बांस और कच्चा बांस कट रहे हैं, जो पंचायत वाले चंद लोग वो गांव वाले इनको क्षति देना चाह रहे हैं, यानी वो शासन की संपत्ति से भी दुरुपयोग कर रहे हैं, और हमारे गांव की वो संपत्ति है। संपत्ति किसकी है, गांव हमारे गांव की, जंगल की है? जंगल की नहीं है, हमारे गांव की है, वो राजस्व से के माध्यम से हमारे गांव को दे चुके थे जंगल, जो सार्वजनिक जंगल है, और पंचायत वाले उसे मनमाना कर रहे हैं। तो आपने कल तो विभाग में शिकायत नहीं की क्या? विभाग की शिकायत सब जगह की हमने, कहाँ सीओ साहब को किए। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है हमको कि जंगल कटाना नहीं है, तो अवैध कौला पूरा एक लाइन से टूट कट रहे हैं, यानी सुपड़ा साहब, और ऐसा बोला जा रहा है उसमें कि बोले हमको परमिशन दे दिए सब ने, जो कि उनके पास परमिशन है भी नहीं। रेंजर आए थे वहाँ पे, रेंजर साहब क्या बोले थे? रेंजर साहब ने बोले कि
गलत कट रहा है, ये गलत है, गलत तरीके से काटे हैं और ये नहीं कटेगा आसो, ऐसा बोले, हमसे बयान ले लिया। अच्छा, और इस बार काटने चालू कर दिया? काटना फिर वो पंचायत वाले ने। चल आगे क्या कदम रहेंगे आप? हम यही कदम हमारा है कि वो जंगल नहीं कटेगा, उसके आगे हम रोकेंगे। अगर नहीं रोके तो नहीं रोक पाए, अब वो रोक ना पाएंगे तो अब उसके लिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनवरी 2018 में ग्राम पंचायतों को रेत घाट दिए जाने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन जिले में 8 ग्रामों को छोड़कर अन्य ग्रामों के रेत घाट अभी तक ग्राम पंचायतों को आवंटित नहीं किए गए हैं, जिसके चलते कई गांवों में विकास कार्य रुका हुआ है। साथ ही रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। रेत घाट से रेत निकालने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर कई गांवों के सरपंचों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द रेत घाट दोहन की स्वीकृति दिए जाने की मांग की। राजू तामसवाड़े, कहां से? मैं ग्राम पंचायत मुआर सरपंच। बस यही कारण है कि पिछले 2018 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंचायत को रेत निकालने के लिए जो अनुशंसा की गई थी, उसे माइनिंग विभाग को शासन द्वारा लेटर जारी हुआ था और माइनिंग द्वारा पंचायत में जो लेटर जारी हुआ और हमें आदेश शासन द्वारा पत्र जारी हुआ, और जब हम माइनिंग ऑफिस में पूरा अपना जो रेत निकालने का जो कार्रवाई और जो भी कार्रवाई किए और सभी आवेदन वहाँ पर लगा चुके, लेकिन हमें 1 से 1.5 वर्ष हो गया तो आज तक हमें अनुमति जारी नहीं। अच्छा, क्यों आवश्यकता पड़ रही है आप लोगों को? आवश्यकता जो है हमारे सामुदायिक काम जैसे प्रधानमंत्री आवास, शौचालय एवं बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें हमें बहुत रोड़ा बना हुआ है और दिक्कत आ रहा है, जो कि हम बराबर रेत नहीं निकाल पा रहे हमें और शासन द्वारा प्रशासन द्वारा। अच्छा, अनुमति एनओसी वगैरह होने मिलने के बाद में कितने दिनों के भीतर आप लोगों को अनुमति देने का प्रावधान था? वो एक सप्ताह से 15 दिन के अंदर में था, जो 1.5 वर्ष हो चुका है। तो अभी आप लोग आए तो क्या मांग करते हैं? अभी हम माइनिंग भी गए थे, लेकिन वहाँ ये बताया जा रहा है कि कलेक्टर साहब का आदेश हो जाए कि आपके जो पत्र जारी हुआ है, जो पत्र लगाए आप खनिज के लिए जो रेत निकालने के लिए, तो उस पर हम अगर आदेश हो जाए तो अपन लिखित साइन करके आपकी जो कार्रवाई आगे बढ़ा दी जाएगी। श्याम सिंह चौहान, मगर जरा सरपंच है आप जी? बारी नहीं मिल तो रही है, मगर दूसरे तरीके से मिल रही है ना। कैसे तरीके से मिल रही है? अब जिनको चाहिए उनको मिल रही है, उसके जीप में तो हम नहीं जा सकते, मगर हमारे साथ जो समस्या है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्या समस्या आ रही है आपके साथ? हमने 23 फरवरी को केस लगाया। हाँ। शासन के मंशा के अनुसार। हाँ। कि हमको भी हमारी पंचायत में घाट उपलब्ध है। हाँ। तो हमको भी रेत का परमिशन मिलेगा, परंतु आज दिनांक तक कुछ नहीं मिला। भाई जो नियम है उस हिसाब से मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रही तो जो शासकीय कार्य वो अटके हुए हैं। बिल्कुल अटके हुए। दवा की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में व्यापारी एकजुट हैं। मंगलवार को एक बार फिर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी सामने आए और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दवा की ऑनलाइन बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की। इस संदर्भ में बालाघाट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने कहा कि ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन एवं मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में देश भर में हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर हर जिले एवं तहसीलों में हर व्यापारी ज्ञापन दे रहे हैं। श्री सोनी ने कहा कि ऑनलाइन में नशीली दवाएं आती हैं, उसमें रोक नहीं है। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन और एमपीसीडीए के तत्वाधान में जो बात हमको आई है, उसके द्वारा हल्ला बोल एक प्रोग्राम रखे पूरे इंडिया में, आज सभी जगह हर जिले में हर तहसील में हर व्यापारी एक ज्ञापन दे रहा है, जो एमपीसीडीए के हमारे निर्देश होते हैं उसी के अनुसार काम करते हैं। सर, ऐसी क्या वजह है कि मतलब बार बार ऑनलाइन में नशीली दवाई आ रही है, उसमें नशीली दवाई आ रही है, उसमें कोई रोक ठोक है नहीं सर? क्या ऐसी क्या वजह है कि सरकार इस पर बहन नहीं लगा रही है कि आप लोग बार बार उस पर धरना प्रदर्शन और अवगत भी करा रहे हैं समस्याओं के बारे में? वो हाई कोर्ट में लग गया है, अपने एमपी में अभी लगाया नहीं है, इसलिए एमपी के नाम से एक लेटर दे रहे हैं। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव संदीप पिछौड़े ने कहा कि यदि ऑनलाइन दवा बिक्री बंद नहीं हुई तो ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ विगत 28 सितंबर को ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन और मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में हड़ताल किए थे, और उसके हड़ताल का ये नतीजा निकला कि हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट ने इसमें ऑनलाइन फार्मेसी पे बैन लगाया हुआ है। फिर भी
ऑनलाइन फार्मेसी जो कंपनियां हैं वो भी अनियमित तरीके से गलत तरीके से अपना प्रचार प्रसार करके दवाइयां बेच रही हैं, उसी के खिलाफ हम लोग आज फिर से हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के संबंध में ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं कि जो दिल्ली हाईकोर्ट में आदेश दिया है ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ उसे तत्काल बंद किया जाए और जो है जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए, जो कि अभी ऑनलाइन फार्मेसी जो है मानव स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से घातक है। दवाइयाँ समय पर पहुँचती नहीं है और विशेष प्रलोभन देती है विभिन्न प्रकार का, दवाइयाँ गलत भी आ सकती है, एक्स्ट्रा दवा आ सकती है और प्रलोभन के चक्कर में मरीज समय पर अपनी दवाइयाँ नहीं खा पाएगा जिससे उसका स्वास्थ्य विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर इसके बाद भी नहीं हो पाता या सरकार नहीं सुनती है या बंद नहीं की जाती ऑनलाइन डिलीवरी दवाइयों की, तो फिर अगला कदम क्या होगा? फिर अगला कदम हम फिर से जो है ऑल इंडिया एसोसिएशन के तत्वावधान में फिर से आंदोलन करेंगे और फिर स्ट्राइक पे जाएंगे। जिला भाजपा कार्यालय में मंगलवार को लोकतंत्र सेनानी संघ के जिला संयोजक एवं भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रंगलानी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही दो फैसले लिए हैं जो कि अफसोसजनक है, जिसमें उन्होंने महीने की एक तारीख को सचिवालय में वंदे मातरम गायन पर रोक लगा दी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मीसाबंदियों को दिए जाने वाली सम्मान राशि को भी बंद करा दिया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से यहां कार्य कर रही है, जिसकी हम निंदा करते। श्री रंगलानी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस दौरान भाजपा के बड़े नेताओं को जेल भेजा गया था। उस समय लोकतंत्र को लेकर भाजपाइयों ने आवाज बुलंद की थी, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से मीसाबंदियों को मिलने वाली सम्मान राशि को बंद करने की कमलनाथ के द्वारा घोषणा की गई है, उसके विरोध में वे राज्यपाल को पत्र भेजेंगे। इस प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व कृषि मंत्री लोचनलाल ठाकरे, पूर्व विधायक केडी देशमुख सहित जिले के मीसाबंदी मौजूद रहे। कमलनाथ की सरकार ने शुरू में ही जो निर्णय लिए, सबसे पहला निर्णय लिया कि आपत ये वंदे मातरम गीत को बंद किया जाए, जो सचिवालय में एक तारीख को बजता था, ये गायन होता था, उसको बंद किया। दूसरा कि मीसा बंदियों की जो लोकतंत्र सेनानी उनका जो सम्मान निधि मिली जा मिल रही है उसके ऊपर रोक लगाई जाए, वो दोनों काम उन्होंने किए। एक तारीख को वंदे मातरम का गायन नहीं हुआ और सम्मान निधि पर इन्होंने बैंकों को लिख के दे दिया, इस पर रोक लगे। हमारा उसमें एक बात कहनी है कि सरकारें तो आएंगी जाएंगी बदलेंगी, एक आएगी दूसरी आएगी, और इस प्रकार से यदि बदले की भावना से सरकारें काम करेंगी तो ये ठीक बात नहीं है। रात के 12 बजे 25 जून की रात को इस देश को के ऊपर आपातकाल लगा दिया गया, जिसके फलस्वरूप पूरे देश में जहां जहां जो जो नेता मिला उन सबको जेल में ठूस दिया गया। वयोवृद्ध और बीमार जयप्रकाश नारायण को भी जेल में डाला गया। पूर्व कृषि मंत्री लोचनलाल ठाकरे वर्तमान में विधायक पेंशन के लिए बैंकों का चक्कर काट रहे हैं, वहीं उन्होंने अपनी इस तकलीफ की वजह कांग्रेस सरकार को ठहराया है। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि उन्हें शासन स्तर पर प्रति माह करीब 40,000 रुपए बतौर पेंशन दी जा रही थी। जब वे 6 जनवरी को कोचेवाई स्थित SBI बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने बैंक प्रबंधक से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनकी पेंशन खाते में नहीं डाली गई है। पूर्व मंत्री श्री ठाकरे ने बताया कि हर माह की पहली तारीख को पेंशन प्राप्त हो जाती थी, लेकिन 6 तारीख बीतने के बाद भी उनके खाते में पेंशन राशि नहीं डाली गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस सरकार ने मीसाबंदियों के साथ शायद उनकी विधायक पेंशन भी बंद कर दी है, जो कि काफी अफसोसजनक फैसला नजर आ रहा है।
मेरा नाम है लोचन लाल नारायण ठाकरे। हाँ, और राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन जी, और विधायक और मध्य प्रदेश शासन में कानून जांच समिति का अध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए कि अभी क्या हो रहा है, आपको विधायक निधि मिल रही है? मैं परसों स्टेट बैंक कोचवाई गया था जी, वहाँ मैं गया तो मैंने कहा मेरे को पैसा चाहिए, तो मैनेजर के पास गया तो उनने टटोला होगा, पूछा होगा अपने कर्मचारियों से, तो बोले साहब आपके पेंशन नहीं आई। अच्छा, तो मैं दो पेंशन प्राप्त करता हूँ जी, कौन कौन से? एक विधायक की जी और एक मीसाबंदी की जी। तो मध्य प्रदेश शासन ने, कमलनाथ की सरकार ने ये निश्चय किया कि मीसाबंदियों की पेंशन बंद करो, तो मेरी विधायक की पेंशन क्यों बंद हुई जी? मैं वापिस आया जी। हाँ, गलत कर रही है, इसी महीने की नहीं है? अरे भाई, रेगुलर पेंशन आती थी, प्रत्येक महीने आती थी, एक दो तारीख को, तो छः तारीख तक के नहीं आई, पाँच तारीख तक के नहीं आई, इसलिए मेरा प्रश्न है कि सरकार गलत कर रही है जी। पूर्व जनपद अध्यक्ष उमेद लिल्लारे के द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने जिले व प्रदेश की जनता को प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर बधाई देते हुए जिले के किसानों से अपील की है कि वे कांग्रेस पार्टी को कुछ समय दे, जिससे पार्टी अपने किए वादों को पूरा कर सके। वहीं उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा 15 साल में किसानों और प्रदेश की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही किसानों व जनता को न्याय देने का काम किया जा रहा है। जनता कांग्रेस पार्टी को 15 महीने का समय दे, जिससे हमारी पार्टी अपने वादे जो वचन पत्र में लिए गए हैं उन सभी को पूरा कर सकेगी। वहीं जिले भर में हो रहे अवैध रेत उत्खनन के संबंध में की गई चर्चा पर श्री लिल्लारे ने कहा कि जिले में रेत का अवैध उत्खनन जोरों पर हो रहा है, जिसमें भाजपा के बिचौलिए शामिल है। इसे रोकने के लिए वे मुख्यमंत्री से मिलकर खनिजों के खनन और उसे बेचने की नीति को बदलने का प्रस्ताव रखेंगे, जिसमें अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जा सके। वचन पत्र में शामिल है कांग्रेस पार्टी, वचन पत्र और घोषणा मशीन में फर्क है, आप सब जानते हैं। वचन पत्र में शामिल था किसानों का कर्जा, वो माफ हुआ। वचन पत्र में शामिल है कि किसानों की फसल का समर्थन मूल्य में मंडी में धान नहीं बिकेगा, लेकिन मैं किसानों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग धैर्य रखिए, शालीनता बरतिए, अभी 15 दिन हुआ है, कुछ समय और दीजिए। हड़बड़ी में मंडियों में जाकर अपने आप को लुटाए ना, कि रेत खनन में जो आम आदमी है, जो उस खदान से जुड़ा आदमी है, जो उस गांव का रहने वाला आदमी है, जिनके पास वाकई ट्रैक्टर है, डंपर है, उनको इसका फ़ायदा मिले। जितने बिचौली भारतीय जनता पार्टी ने पाल के रखा है, उन बिचौलियों के बजाय उसकी नीति चेंज हो, रेत खनन की, रेत बेचने की, जो अभी तक हजारों रुपए में जो 200-300 की रॉयल्टी 1000-1500 रुपए में बिकती थी, इस पर कमलनाथ जी विचार करें और आम लोगों को कैसा इसका फायदा मिले, इसकी नीति बनाने हम आग्रह करने के पास जाने वाले हैं। नगर के सर्किट हाउस में मंगलवार को जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं बालाघाट चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें शहर में नो एंट्री के समय को यथावत रखने को लेकर आवश्यक चर्चा की गई। इस संदर्भ में संगठन पदाधिकारी महेंद्र सुराना ने कहा कि वर्तमान में नो एंट्री का जो समय निर्धारित है वह अव्यवहारिक है, जिसके बदलाव को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था। वहीं इस संदर्भ में जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया ने बताया कि हमारा उद्देश्य जन हानि पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम अपना ट्रांसपोर्ट व्यवसाय सुचारू रूप से करना चाहते हैं।
हमारे जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से मांग है कि जिस तरह सोसाइटी व समितियों को धान के परिवहन के लिए नो एंट्री में छूट दी गई है, उसी तरह जनता की भावना को समझते हुए नो एंट्री के समय में संशोधन होना चाहिए। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो व्यापारियों के द्वारा चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की संयुक्त बैठक थी नो एंट्री को लेकर के। अभी वर्तमान में जो नो एंट्री चल रही है वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक के और शाम को 4 बजे से 10 बजे तक के, जो बहुत ही अव्यवहारिक है। उसमें जो 12 से 4 बजे का जो समय मिला है वो व्यापारी जो अपना होलसेलर या रिटेलर व्यापारी है वो उसके व्यापार करने का समय है। उस समय नगर के अंदर में भी ट्रैफिक बहुत रहता है, उस समय गाड़ियां खाली कराना या लोड कराना अव्यवहारिक है। और रहा सवाल शाम को 4 बजे से 10 बजे तक के, तो मजदूर ना तो रात को 10 बजे के बाद अपने घर से काम करने के लिए आएगा, ना ट्रांसपोर्टर जगेगा, ना व्यापारी जगेगा। इन सब बातों को लेकर के ये जो इस समय की जो नो एंट्री है बहुत ही अव्यवहारिक है। बालाघाट में ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है और ना ही बाईपास रोड की व्यवस्था है और ना ही रेलवे क्रॉसिंग की ओवर ब्रिज की व्यवस्था है। ये हमारे बालाघाट का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन किसी प्रकार की जनहानि या किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। हमारा कार्य सुचारू रूप से अपने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को चलाना है और इस ट्रांसपोर्ट में 400 से 500 ट्रक मालिक छोटे से बड़े सभी हैं और जिनका व्यापार ट्रक द्वारा ही चलता है और उनका परिवार भी इसी के ऊपर निर्भर है। अच्छा, अदा हम SP साहब से कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि जिस तरह सोसाइटी और समितियों के लिए आपने धान ढोने के लिए परिवहन के लिए नो एंट्री में छूट दे दी गई है, उसी तरह जनता की भावनाओं को भी समझें, उनके परिवार को भी समझें, उनकी रोजी रोटी को भी देखें और नो एंट्री के समय में संशोधन करें, यही हमारा निवेदन है। और अगर अब हमारी इस बात को नहीं मानते या ध्यान नहीं दिया जाता तो संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी, जिसके लिए हमें मजबूर किया जाएगा कि हम चक्का जाम कर रहे हैं, उसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की। नगर के MLB स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड मानक विज्ञान प्रदर्शनी का मंगलवार को समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस समापन कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे, जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले, गुजरात से आए प्रेक्षक डॉक्टर नीरज सेठिया, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य RK लटारे सहित अधिकारी व स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बिसेन ने कहा कि प्रदर्शनी में काफी अच्छे विज्ञान मॉडल रखे गए हैं, मॉडल वर्तमान परिस्थिति को छू रहे हैं। जिले के बच्चों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और उन्होंने जो मॉडल बनाया वास्तव में उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने कहा कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उसे तलाशने की जरूरत है। देखिए, हमारे देश में और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमको उसको तलाशना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, ये जो सब्जी काटने के नए नए औजार उपकरण बने ये सब तो ग्रामीण क्षेत्र से उत्पन्न हुए हैं। अगर जहाँ चाकू नहीं मिलेगा, जहाँ पे औजार पाटे नहीं मिलेंगे, तो वो लोग नए नए तरीके इजाद करते हैं, वही आगे चल के हमारे मार्केटों में आते हैं और हम लोग को फायदा पहुंचाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती पटले ने कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने की मंशा से केंद्र सरकार द्वारा हर जिले में किया जाता है। बच्चों के मॉडल सराहनीय थे, यहां से चयनित मॉडल होशंगाबाद में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे। के लिए उनके दिमाग में, उनके जेहन में जो छोटी छोटी नई अन्वेषण है, नया अन्वेषण है, इनोवेशन है, उनको उजागर करने के लिए और भविष्य के लिए पुख्ता वैज्ञानिक बनाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन केंद्र सरकार के द्वारा समस्त जिलों में किया जाता है। इसी का एक अवसर हमको बालाघाट जिले के लिए भी प्राप्त हुआ। हमारी ये जो डेट थी 7 और 8 जनवरी, इन दोनों ही दिनों में बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम और बच्चों ने मॉडल जो लेके आया ये बहुत ही सराहनीय थे।
राष्ट्रीय मार्ग पर करीब 30 किलोमीटर सड़क का निर्माण बीआरसी कंपनी द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से सीमेंट्रीकरण सड़क का निर्माण कार्य काफी महीनों से बंद है, जिसके कारण ग्रामीणों एवं आमजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस निर्माण के ना होने के चलते सड़क हादसों की संभावनाएं बन रही हैं। सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा चंदोली से कटंगी के बीच काफी जगह पर सड़क निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसको लेकर ग्रामीण जनों और राहगीरों में भारी आक्रोश व्याप्त है। भैया मेरा नाम है अनिमेश गौतम। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम सरंडी का रहने वाला हूँ। तो आप इसी मार्ग से आना जाना करते हैं? हाँ, मेरा डेली आना जाना इसी मार्ग से होता है। वारासुनी, बालाघाट, कहीं भी इधर आगे जाना, कटंगी भी जाना होता होगा? हाँ, उधर आगे पीछे कटंगी भी जाना होता है। तो मार्ग का लगभग हाल ऐसी है, कहीं पर कुछ बना हुआ हिस्सा है, कहीं कुछ अधूरा है। अधूरा तो पूरा ही अधूरा है, और आने जाने वालों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है इससे। और कई बच्चे बच्चियां, स्कूल वाले जो हैं, उनको भी काफ़ी तकलीफें होती है स्कूल आने जाने में। और इस वजह से जो अधूरा निर्माण कार्य, इस वजह से कुछ घटनाएं भी घट चुकी हैं। हाँ, लगभग भैया खाई तो इसमें हमको 2-3 मीटर के लगभग कहीं खाई है। अच्छा, खाई वाले से? सर, कैलाश माने से। कहाँ रहते? नदी टोला। ये रोड अभी निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, हुआ था लेकिन बंद हो गया। अधूरा छोड़ दिए क्या? अधूरा छोड़ दिए सर। कहाँ कहाँ पे बनी है, कहाँ से नहीं बनी है सर? ये यहाँ से अपना चंद ढानी टोला से कंचनपुर सांगी तक के बना है, कंचनपुर तक। जी जी। वहाँ से फिर बहुत ख़राब रोड हो गई है वहाँ से। इधर भी छोड़ दिए? हाँ, इधर से यहाँ से बुदबुदा से लेके कोचवई तक के बना है, कोचवई से इधर ही है जी। फिर उधर पूरी ख़राब रोड है। तो कब से बंद है कार? ये हो गए सर फिर भी 5-6 महीना हो गए। 5-6 महीना बंद है? हाँ। तो अभी क्या परेशानी आ रही है? अभी सब एक्सीडेंट होते हैं सर, सब रोड खराब होने की वजह से सब एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। शायद इन दुर्घटनाएं हो रही है। हाँ, कभी बड़े हादसे घटित हो सकते हैं। हाँ सर, धूल डस्ट भी उड़ रहे होंगे। उड़ रहे हैं सर। पीताम्बर नागेश्वर, यह बड़ी आस थी कि वो जो रोड बन रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि चुनाव ना होने के बाद में सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, परंतु आज पूरी तरह से ख़त्म हो गया। जो मशीन सांगी में खड़ी थी, 6-6.5 करोड़ का जो मशीन आया था, वो अचानक चले गई, तो आशा भी ख़त्म हो गई। ये चिंतनीय विषय है कि सड़क बनेगा कब। नवोदय स्कूल के सामने से कंचनपुर तक के रोड बनी हुई है, फिर वहाँ से बीच में 200 से 300 मीटर टूटा हुआ है, वहाँ से फिर प्लांट के बाद से फिर सांगी तक बना हुआ है, सांगी के बाद में फिर छूटा, उसके बाद में टुमरी टोला से बना हुआ है, टुमरी टोला से फिर वो धानी टोला तक बना हुआ है, उसके बाद फिर छोड़ दिया है। अधूरा छोड़ते हुए बनाया रहे थे, अधूरा छोड़ छोड़ कर बनाया। कितने किलोमीटर की रोड है ये? पूरा महाराष्ट्र से कटेंगे तक के जी, करोड़ों रुपए की लागत, करोड़ों रुपए की लागत से रोड का। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मंगलवार को सीएससी ई गवर्नेंस के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना के तहत सीएससी संचालकों के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को बीएमओ टीसी मेश्राम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए जनपद कार्यालय पहुंची, जहां जनपद सीईओ गायत्री सारथी के द्वारा रैली का स्वागत किया गया। वहीं इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया।
हाँ 30 रुपये। क्या क्या मांगते हैं उनसे? समझ में आएगी, आधार कार्ड राशन कार्ड, समग्र आईडी मैं लोकेश गौतम यहाँ पे नागरिक सुविधा केंद्र का जिला समन्वयक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। कौन सी रैली निकाली जा रही है आपके द्वारा यहाँ? आज हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा से आयुष्मान भारत के तहत एक जागरूक रैली निकाले थे, बाइक रैली। इसके तहत हम लोगों में एक अवेयरनेस का प्रोग्राम था, ये लोगों में ये जागरूकता फैला रहे हैं कि आप आयुष्मान भारत के तहत जो है अपने कार्ड बनवाएं और ये CSC के माध्यम से बन रहे हैं और इसमें 30 रुपये जो है ये इनको चार्ज देना पड़ता है। सर कितनी उम्र वालों को बन रहा है ये कार्ड? ये सभी के लिए है। सर क्या ये भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है जिसमें शासन के एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हमारे जो गांव के लोग हैं या शहर के लोग हैं और जो SCC डाटा में जिनका नाम सम्मिलित है ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख तक की जो उनके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट वहन करेगी हर वर्ष। तो ये आयुष्मान भारत योजना के तहत एक गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है, ये हमारे CSC सेंटर वाले हैं ये बनाकर प्रत्येक गांव में बना करके जो पात्र हितग्राही हैं या पात्र परिवार हैं उनको देंगे। लालबर्रा के मृहताकार प्राथमिक कृषि साख समिति लालबर्रा के द्वारा हाई स्कूल मैदान में बनाए गए खरीदी केंद्र में किसानों की धान समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है, परंतु धान का परिवहन के लिए टेंडर नहीं हो पाने के कारण धान खरीदी केंद्रों में धान से भरी हजारों कट्टियां डंप हो गई हैं। हालत यह है कि जगह के अभाव में एक बार फिर धान खरीदी कार्य बंद करने की कगार पर पहुंच गया है। वहीं धान खरीदी की अंतिम तिथि निर्धारित होने से कृषकों को धान बेचने की चिंता सता रही है, जिससे किसान अपने धान को निर्धारित तिथि के पहले विक्रय करने के लिए अधिक मात्रा में टोकन के लिए सोसाइटी पहुंच रहे हैं, लेकिन सोसाइटी प्रबंधन के द्वारा उतने ही किसानों को टोकन दिया जा रहा है जितने किसानों से धान खरीद पाना संभव हो रहा है। ऐसी स्थिति में जिन किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा है उन किसानों को धान खरीद पाना संभव है। ऐसी स्थिति में सोसाइटी प्रबंधन को किसानों को समझाने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं मंगलवार को जांच अधिकारी के तौर पर वारासिव ने नायब तहसीलदार तीरथ प्रसाद अक्षरिया के द्वारा केंद्र का निरीक्षण किया गया। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान नायब तहसीलदार श्री अक्षरिया ने बताया कि धान खरीदी केंद्र का जायजा लेने वे केंद्र पहुंचे थे, जिससे भारी मात्रा में धान डंप हो गया है, जिससे खरीदी कार्य में समस्या उत्पन्न हो रही है। अब दूसरा है अपने यही समिति का जो उपकेंद्र है ददिया, उपकेंद्र ददिया, वहाँ पर 3 गांव, 3 पंचायत, ददिया बमनी और बेलगांव, ये 3 पंचायत वहाँ पर। अब लालबर्रा केंद्र में अलग, लालबर्रा केंद्र इसमें लालबर्रा में पनभीरी इतने गांव है, इतने गांव आएंगे इसके लालबर्रा केंद्र ये पांडरवानी ये मानपुर में और ये एक उपकेंद्र ये ददिया बना है मानपुर में, ये मानपुर जिले में 2 रुपये हमारी मिल गई थी पर वो हमको 2 रुपये मिले, महंगाई बढ़ती कि घटती है कहते हैं तो उस कारण से वो लोडिंग नहीं कर रहे और वो बोले मैं मेरे पास जब माल होंगे तो मैं खुद हफ्ते में एक दिन भेजूँगा तो माल उठेगा। अब्दुल रहमान, कहाँ से आए हो आप? अवलिया कनार से। क्या समस्या दी आपको यहाँ पे? 22 फरवरी को मैंने धान दिया हूँ, हाँ नवंबर में, हाँ जी, तो अभी तक के पेमेंट ही नहीं आया है। तो आपने अधिकारियों से पूछिए यहाँ पे क्यों नहीं? मैं गया था तो बोले यार बोले अब ऊपर से ही नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे। तो आपकी जो धान दी गई थी वो यहीं अभी परिवहन
हाँ तो धान बोले यहाँ से जाएगी, जब बोले आपके खाते में पैसे आएगा बोले। और जिनकी धान का परिवहन हो गया उनके खाते में? नहीं नहीं आया, किसी को नहीं आया। यहाँ किसानों की समस्या ये है कि यहाँ माल का उठाव नहीं होने के कारण किसानों को ढेर लगाने में अव्यवस्था महसूस हो रही है, और प्रतिदिन यदि माल यहाँ से उठाव हो जाए तो किसानों को भी सहूलियत होगी, और आज माल लाए तो दो दिन के बाद उसका कांटा हो रहा है, तो दो रात यहाँ प्रत्येक किसान को रुकना पड़ रहा है। ये बड़ी समस्या है, और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अलाव की व्यवस्था नहीं है किसानों के लिए, आसमान खुले आसमान के नीचे ठहरा हुआ है, वो ठंड में ठुठर रहा है, उसकी व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ छत वगैरह के लिए कुछ पंडाल। मैं ML तिवारी, सहकारी समिति लालबर्रा सहायक। तो क्या समस्या आ रही है आपकी यहाँ? अभी तो यहाँ धान खरीदी का कार्य चालू है, और बीच में परिवहन नहीं होने से और मौसम की खराबी से खरीदी बंद थी। अब हम जो चालू किए हैं तो यहाँ इतना स्टॉक है, लगभग यहाँ पे आज की 7 तारीख में हमारे पास में 15,393 बोरे का स्टॉक रखा है। आज के करीब लगभग 2,000 बोरा और आया हुआ है। सभी जो अधिकारी आए थे चेक करने, तो हाँ, क्या तो उनको हमने यही समस्या बताया कि बोले परिवहन की व्यवस्था सुधरे, और साथ में परिवहन क्यों नहीं हो पा रहा इतने दिनों से? ये जो अपने ठेकेदार है, जो अपना परिवहन करता, वो उठा नहीं रहे। अब क्यों नहीं उठा रहे? ये तो अपने को भी नहीं मालूम क्यों नहीं उठा रहे। वो लगता है उनके वो जो लेबरों को जो पेमेंट है उसके कारण उनके समस्या की वजह से। सर, किस संबंध में आपका लालबर्रा आगमन हुआ आज? ये धान खरीदी केंद्रों की जांच के लिए भेजा गया था। सर, आपने क्या पाया आज खरीदी में? यहाँ पे ये पाया गया कि खरीदी तो सही हो रही है, ये परिवहन की समस्या है। जो ठेकेदार हैं वो कोई अग्रवाल जी बता रहे हैं, तो वो ले जा नहीं रहे, परिवहन नहीं कर रहे हैं। तो क्या कार्रवाई की जाएगी परिवहन को लेकर? बिल्कुल की जाएगी। तो अभी सर, जैसे अब क्या है, जगह पूरी पेक हो गई है, तो धान खरीदी बंद होने की? नहीं, खैर भरने तो नहीं होगी, वो उसको परिवहन करवाएंगे। और सर, खरीदी की तिथि बढ़ने की कोई संभावना है? अब वो अभी तो 15 तक है, अभी तो कोई तिथि आई नहीं, तिथि आती फिर देखते हैं, बढ़ेगी। वारासिवनी के श्रीराम मंदिर में संस्कार भारती के तत्वाधान में 8 जनवरी को बालाघाट जिले की पवित्र नदियों का जल धातु कलश में एकत्रित कर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह लोगों ने पूजन किया। 10 जनवरी को यह कलश कुंभ के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां प्रयागराज के संगम में इन कलशों को प्रवाहित किया जाएगा। नदियों का जल गंगा जी में समाहित होगा। दर्शन कर और रखा हुआ है, जिसे पूजा अर्चना करना हो इसके साथ इसके के काम पहुंचे और पूजा अर्चना कर। किया जाता है कि आज मंगलवार दिनांक 8 जनवरी 2019 को भारती का प्रांतीय उपाध्यक्ष आज पूरे प्रदेश में यात्रा के माध्यम से हमने बालाघाट जिले की नदियों का जो जल है, हमारी 12 नदियां हैं बालाघाट जिले में, सभी नदियों का जल एकत्रित करके एक यात्रा रविवार को बालाघाट में निकाली गई थी, दूसरी यात्रा मंगलवार को वारासिवनी में निकाली जा रही है। इन नदियों का जल एक धातु पात्र में एकत्रित करके महाकुंभ प्रयाग में भेजा जाएगा, जहाँ 14 तारीख को यह पूरा जल हमारे बालाघाट जिले का गंगा जी में समाहित होगा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, विश्व इतिहास में पहली बार बालाघाट जिले की नदियों का जल महाकुंभ प्रयागराज में भेजा जा रहा है। और इस उपलब्धि के कारण जिन भैया बहनों ने, जिन श्रद्धालुओं ने भाग लिया है, पूजा अर्चना कर अपना इस जल के लिए समाहित करने की प्रक्रिया में शामिल हुए, उन सभी को हम। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के तहत 15 जनवरी 2019 तक सेवा सहकारी समितियों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जानी है। निर्देशों के अनुसार 15 जनवरी को चंद दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन धान का परिवहन न होने से समिति प्रांगण में जगह समाप्त होती जा रही है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि खरीदी केंद्रों में खरीदी कार्य बंद हो सकता है। किसानों का कहना है कि अब भी लगभग 50% किसान ऐसे हैं जो अपने नहीं बेच पाए हैं। ऐसे में धान का परिवहन ना होने से धान खरीदी कार्य बंद होने की पूरी संभावना है। लिहाजा वारासिवनी क्षेत्र के किसानों ने मांग की है कि प्रशासन धान परिवहन की व्यवस्था करे और धान खरीदी की तिथि बढ़ाई जाए, ताकि सभी किसान अपनी उपज बेच सके।
मैं अरुण कुमार गोवंकर मेलीवाड़ा ग्राम। हाल तो बहुत इकट्ठा हो गया मगर यहाँ पे आवागमन के साधन नहीं है, ढुलाई नहीं हो पा रही है, इससे किसानों को तकलीफ हो रही है। 50% आए होंगे सर? और जो बचे 50% उनका हो जाएगा क्या? अभी अपने जो बाकी 4-5 दिन बचे तो डेट बढ़ना चाहिए सर, तिथि बढ़ना चाहिए, तिथि बढ़ना चाहिए तभी किसान अपना अनाज दे पाएंगे सर। मगर यहाँ परिवहन नहीं हुआ तो कैसे यहाँ पे क्या कर पाएगा? परिवहन की वजह से जो तकलीफ हो पा रही है सर यहाँ पर। मेरा गुलाब चंद्र रांगडाले, कहाँ से? मदनपुर से। समस्या वही है कि किसानों को बहुत परेशानी हो रही है, 2 दिन तक धान नहीं बिकता ढंग से और किसान बहुत परेशानी है यहाँ पे। यहाँ परिवहन नहीं होने के कारण भी कुछ समस्या आ रही होगी आपको? समस्या बहुत आ रही है, परिवहन यानी माल नहीं उठ रहा है, इससे भी समस्या आ रही है। और ये रेट बढ़ाया जाए यानी तारीख, इसकी तारीख बढ़ाया जाए, बहुत परेशानी आ रही है किसानों। मैं दिनेश परियार, धान खरीदी प्रभारी व्रताकर सहकारी समिति वारासुनी। खरीदी केंद्र में अभी तक हमारे पास 11,837 कुंटल 60 किलो खरीदी हो चुकी है, जिसमें अभी तक हमारे 342 कृषकों ने अभी अपनी उपज भेजी है। पर हमारे पास कुल पंजीयन जो थे 780 किसानों का था, अभी हमारी आधी भी खरीदी नहीं हो पाई है। और उसके जिस हिसाब से खरीदी हो रही है, परिवहन बिल्कुल नग्न के बराबर हो रहा है। अभी आपने सामने की अगर देखे होंगे अभी आते आते आपने, हमारे यहाँ पे सेंटर में पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं, हमें तो ये सोचना पड़ रहा है कि हम कल खरीदी कैसे कैसे कर पाएंगे। पूरा परिवहन नहीं होने के अभाव में पूरा माल यहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा प्राणगंज छोटा है। विगत वर्षों में परिवहन अच्छा होता था तो ये परेशानी नहीं होती थी, मगर इस साल काफ़ी हद तक ये परेशानी है। अभी परेशानी बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। के 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC आदि में कामकाज हुआ बाधित। पूर्व राज्य मंत्री लोचन लाल ठाकरे, विधायक पेंशन के लिए लगा रहे बैंकों के चक्कर, कांग्रेस सरकार पर लगाया। मीसाबंदियों ने पेंशन बंद किए जाने पर जताई नाराजगी, भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने बदले की भावना से उठाया यह कदम। 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड मानक विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ समापन, 19 मॉडलों का राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए हुआ चयन। ट्रिप में हाईटेक जनसुनवाई का हुआ आयोजन, नामजन की समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण। और कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, भारत बैंक मैनेजर सहित 2 घायल, बैहर रोड सरीखा बाईपास की घटना। तो ये थे अब तक के खास खबरें, अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।